श्याम बाबा ने अपनी मां को वचन दिया, क्या वचन दिया था, कि मां मैं हारे का साथी बनूंगा। मां ने जब वचन मांगा तो श्याम बाबा ने वचन दिया था, हे मैया सुनो, मैं हारे का साथी बनूंगा, मैं हमेशा सच का साथ दूंगा, हारे का साथी बनूंगा। तो जीवन में सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, लिख लो आप, कि या तो किसी से कुछ कहना मत और कहो तो उसको पूरा करना। लोग मंदिरों में आते हैं, लोग दीवालों में आते हैं, किसी के सामने जाते हैं, बड़ी बड़ी बात पखार कर चले जाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। भैया पहले तोलो उसके बाद बोलो। आप भूल जाते हो, ये नहीं भूलता है, आप तो कहकर चले जाते बाबा मैं सवावणी लगा दूंगा, लेकिन आप तो कह के चले गए बगैर हड़ की जीभ बोल गए, लेकिन ये नहीं भूलता है, सब याद रहता है इसको। और उनको याद था तभी तो कह दिया पहले युद्ध देखूंगा। जब पांडवों को पता लगा कि वीर बरवरिक युद्ध के मैदान में आ गया है, तो पांडव को ऐसा लगा कि युद्ध तो युद्ध हमारी ओर से लड़ेगा, पांडव तो बड़े खुश हो गए, उनका एक बाण से युद्ध खत्म कर दूंगा। वीर बरवरिक ने, श्याम बाबा ने यह बात कही कि एक बाण से युद्ध खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं जो हारेगा उसका साथ दूंगा, मैंने मेरी मां को वचन दिया है, और पहले युद्ध लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध देखने के लिए आया हूं। पहले उसने अपनी मां से कहा, मां मैं युद्ध देखने जाऊंगा, मुझे भी युद्ध देखने जाने दो। तो श्याम बाबा ने कहा पहले युद्ध देखूंगा, मैं युद्ध के मैदान में डायरेक्ट नहीं कूद पड़ूंगा, क्योंकि आया कि कूद गया, नहीं, मैं युद्ध को देखूंगा, जो निर्णय होगा, जो हारेगा उसका मैं साथ। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुंचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।